हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनूधर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपके लिए एक देखिए छोटा सा स्टैंडिंग टेडी लेके आई हूँ। बहुत ही क्यूट सा छोटा सा बनाया है मैंने और इसके बाद मैं बड़ा बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने छोटा सा बनाया ताकि जो लोग बड़ा नहीं बना सकते हैं वो छोटा सा भी बना सकते हैं। स्टैंडिंग टेडी है इस तरह का, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मेरे को कमेंट्स भी करके बताइए कि आपको कैसा लगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं छोटा सा स्टैंडिंग टेडी बनाना। देखिए मटेरियल में आपको कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, कटिंग कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए, कटिंग कीजिए और यूज़ कीजिए। उसके अलावा फैब्रिक है तो मैं शॉर्ट फर से बना रही हूँ। ये मेरे पास देखिए शॉर्ट फर है, ये येलो कलर का बना रही हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये मेरे को चाहिए कोई, क्योंकि मैं एक ही कलर का बना रही हूँ तो ये चाहिए मेरे को कोई 28 सेंटीमीटर और छोटा सा टुकड़ा। मैं इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, डॉट में फेल्ट है ये ब्राउन कलर का। आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहुत छोटा सा टुकड़ा नोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेल्ट का। मैं बाजार की मार्केट की नोज़ नहीं लगा रही हूँ, ब्लैक फेल्ट की यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा पेन पेंसिल टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीज़र कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, फाइबर वूल पॉली फाइबर फिल करने के लिए, इसमें कोई 60 से 70 ग्राम के करीब आपको पॉली फाइबर चाहिए और टेडी की आइज़ और उसके वॉशर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने कपड़े को उल्टा बिछाना है, लेकिन ये शॉर्ट फर में बना रही हूँ इसीलिए फर की डायरेक्शन होती है, तो आपको सबसे पहले ये डायरेक्शन चेक करनी है। ये देखिए ये डायरेक्शन है इसकी, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो ये आपको अपनी तरफ रखनी है। जैसे जिस तरफ आप बैठे हैं उस तरफ आपने डायरेक्शन रखनी है। इस तरह से देखें, उसी साइड से आपको ये उल्टा बिछाना है और इसी तरह से आपने जो भी मार्किंग लेनी है, जैसे कि ये इसकी फ्रंट बॉडी है तो ये देखिए एरो का मार्क है। एरो का मार्क का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द फर, तो फर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। एरो का मार्क भी इसी तरह से रख के आपने इस तरह से रख के इसको मार्क करना है। तो इसके आपके दो पीस काटने हैं, एक इस तरह से कटेगा और एक इस तरह से पलट के आप मार्क करेंगे। देखिए हम मार्किंग कर ली है, अब इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मज़ल के लिए जो इसकी नोज़ का पार्ट है मज़ल, वो मैं वाइट फेल्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। मटेरियल में छोटा सा टुकड़ा चाहिए खाली मज़ल के लिए और बीच के हिस्से के लिए मैं ब्लैक फेल्ट यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए कटिंग करने के लिए आपने अब इसमें ये ध्यान देना है कि इसको आपने इस तरह से कट नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल कपड़े को फेल्ट को इस तरह से लेके कट कर लेते हैं तो उससे क्या होते हैं, इसके जितने भी ये फर है ये टूट जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है, ये जो इसका ऊपर का ये कपड़ा है, यानी आपने इस फर को नहीं काटना है, आपने इस ऊपर वाले कपड़े को काटना है। तो वो कैसे कटेगा, आपने ये जो सीज़र है आपके पास, अगर आपके पास छोटी सीज़र है तो ज़्यादा बेटर है। छोटी सीज़र जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह की अगर छोटी सीज़र है तो ज़्यादा अच्छी है। तो इससे आपने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर का जो ये कपड़ा है ये कट करना है, यानी इस तरह से लेकर पूरा कट नहीं करना। आपको छोटा सा मतलब इसका खोल के और सिर्फ इस कपड़े को इस तरह से आपने कट करना है। तो उससे क्या होगा, ये जो फर है ये नहीं कटेगा, ये देखिए ये नहीं कटा है। नहीं तो अगर आप इस तरह से काटेंगे तो ये सारा फर यहाँ से कट के अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें खाली ऊपर का कपड़ा कट रहा है, फर नहीं कट रहा है। देखिए इस तरह से आपने करना है। अगर छोटी सीज़र है तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो इससे भी आप बड़ी सीज़र से भी नोक से काट सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कटर है तो कटर से सबसे बेस्ट है, आप नीचे कुछ बिछा लीजिए, बोर्ड कुछ भी रख के, तो कटर से काटिए, उससे भी इसके फर नहीं कटते हैं। देखिए सारे पीसेस की कटिंग हो गई है, अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, देखिए बैक बॉडी, इसके दो पीसेस काटे हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो सबसे पहले तो आपने इस बैक बॉडी को आपस में ज्वाइन करना है, जो ये दो पार्ट्स हैं इनको यहाँ पर आपने इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लीजिए। तो आपने ज्वाइन करते समय क्या ध्यान रखना है, चाहे आप सुई से कीजिए चाहे मशीन से, जो फर है उसको अंदर की तरफ कीजिएगा इस तरह से और तब इसकी सिलाई कीजिएगा। यानी ये जो फर है इसको अंदर की तरफ करके उसके बाद इसकी सिलाई कर दीजिए। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए पहले।
अब बैक बॉडी को ज्वाइन करने के बाद में इसमें आपने ये लोअर बैक बॉडी ज्वाइन करनी है। तो आपने क्या करना है, जो ये दो पीसेस आपने ज्वाइन किए हैं इनको आपने यहाँ से इस तरह से ये यहाँ पर पूरा राउंड में ज्वाइन कर लेना है। तो इसको इस तरह से रखिए, देखिए इसको इस तरह से, ये पूरा इस साइड से ऐसे करके और पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये लोअर बॉडी और बैक बॉडी आपस में जुड़ गई है। अब हम फ्रंट बॉडी पे आते हैं। तो फ्रंट बॉडी के भी दो पीसेस काटे हैं हमने, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये जहाँ तक ये कट है यहाँ तक आपने इस साइड से इसको आपस में सिल लेना है दोनों बॉडीज को। तो जो ये यहाँ तक आ रहा है कट आपको, तो इस तरह से रखिए और उसको यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई लगा दीजिए। अब ये ज्वाइन कर लिया है। अब इसके साथ में जो हमारा ये बैक बॉडी था इसको ज्वाइन करेंगे हम ये साइड से, जो ये दोनों के साइड के हिस्से है, इसका साइड और इसका साइड आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको सीधा सीधा पार्ट इस तरह से रखिए, देखिए ऐसे, और ये यहाँ से लेकर शोल्डर से और पूरा यहाँ तक ये, और ये साइड आप पूरा इसका बंद कर दीजिए। दोनों साइड्स जोड़ने के बाद में आपने जो ये लेग्स के बीच में है इनको भी आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए दोनों लेग्स की। देखिए अब ऑलमोस्ट बॉडी रेडी है इसकी। अब हम लेते हैं ये शूज़ हैं, इसको इसके भी दो पीसेस काटे हैं, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से। तो इसको आपने सबसे पहले तो आपस में ज्वाइन कर लीजिए इस साइड, ये जो साइड है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए दोनों शूज़ को। उसके बाद में इसका ये सेंटर आप ले लेना और इस फ्रंट साइड में आएगा, ये फ्रंट साइड है इसका जहाँ पर ये लगा है, ये बैक है इसका। तो इसका भी आपने सेंटर लेना है जो ये है, इसको इस तरह से कीजिए और यहाँ पर सेंटर का और यहाँ का मार्क लगा दीजिए, तो दोनों में और इसमें भी। अब देखिए ये मार्क लगा दिया इधर सेंटर में, दोनों में, पीछे भी बैक साइड पे भी, और इसको भी सिल दिया है। अब आपने इसको क्या करना है, जो इसका ये वाला सेंटर है फ्रंट वाला साइड, जो ये चौड़ा वाला साइड है, ये चौड़ा वाला साइड आपको फ्रंट साइड पे इस सेंटर से ज्वाइन करना है। तो ये जो है इधर से इसको पकड़िए और इधर से इस तरह से रख के और इसको पूरा राउंड में आप इसको सिल दीजिए। तो दोनों शूज़ इस तरह से इसके लगा दीजिए। अब ये शूज़ इसके लग गए हैं। अब इसमें आपने फुट पैड जोड़ने हैं। तो सीधा साइड जो है वो इस तरह से पकड़िए आप और इसके इस तरह से राउंड में आपने इस तरह से ये फुट पैड जोड़ लेने। देखिए इस तरह से राउंड में इसको रख के और ये पूरा इसमें फिट आ जाएगा। इस तरह से राउंड में दोनों फुट पैड जोड़ दीजिए। देखिए अब फुट पैड जुड़ गए हैं। अब चलिए इसकी बाजू रेडी करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये आउटर है और ये इनर है, इसको इसके साथ में आपने इस तरह से रखना है और ये पूरा राउंड आपने सिल देना है आपस में। तो ये आउटर है और ये इनर, तो दोनों को इस तरह से रखिए और यहाँ से पूरा साइड में इसको सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब बाजू सिल गई। अब आपने क्या करना है, जो ये आउटर वाला आर्म है, मतलब जो ऊपर वाला, ये आपको फ्रंट साइड पे रखना है। तो इसका जो ये सेंटर है, ये जो यहाँ पर है, इसको आपने इस फ्रंट बॉडी के, ये जो प्लेन वाला हिस्सा है, देखिए ये फ्रंट बॉडी का हिस्सा है, तो इसको आपने यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है। क्योंकि हमने अभी ऊपर का पोर्शन हमारा ये खुला है, साइड हमने सिल दिया था, तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये आपको यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है इस तरह से। तो यहाँ से करके आपने पूरा राउंड में लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये इसका ये ऊपर कॉर्नर वाला हिस्सा है इसको आपने यहाँ पर रखना है इस तरह से, और यहाँ से करके आप इसको पूरा, आप ये समझिए कि जो इनर वाला आर्म है इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वो आपको ये साइड वाले में आ जाएगा। जो इस हमने साइड की सिलाई लगाई है इसका सेंटर आपको साइड में आएगा। तो आपने इस तरह से करके इसको पूरा राउंड में इस तरह से पूरा ये सिल दीजिए। तो इसी तरह से दोनों बाजू अटैच कर दीजिए। देखिए अब ये हैंड्स भी ज्वाइन कर लिए हमने। अब इसका फेस ज्वाइन करते हैं। फेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसके ईयर्स ज्वाइन करते हैं। तो दो मैंने येलो में काटे हैं और दो इस ब्राउन में काटे हैं। तो एक येलो और एक ब्राउन को लेकर आपस में इस तरह से
और ऐसे सिलाई लगा दीजिए, नीचे का पोर्शन ओपन छोड़ेंगे। तो दोनों ईयर्स इसी तरह से रेडी कर लीजिए। अब देखिए ईयर्स सिल दिए। अब ईयर्स में मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा फाइबर डालूंगी, बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत हल्का सा फाइबर आपने डालना है इसमें। और उसके बाद में इसको नीचे आप एक सिलाई लगा दीजिए, ये डाल के फाइबर डाल के, ये देखिए, और उसको हल्की सी यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब इसमें मैंने नीचे सिलाई लगा दी है, अंदर थोड़ा सा फाइबर भर के। अब हम इसका फेस पे आते हैं। ये साइड फेस है, दो पीसेस काटे हैं और ये की सेंटर हेड है। इनके जो ये यहाँ पर डार्ट्स हैं ये भी आपने बंद करने हैं, आपस में इस तरह से सिलाई करके इसको बंद कर दीजिए। और साथ में ही अब आपने ये ज्वाइन करना है सेंटर हेड के साथ। सेंटर हेड के साथ ज्वाइन करने में साथ में ही आपने ये ईयर भी ज्वाइन करना है यहाँ पर। अब आपने ये लगाना कैसा है देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसके साथ में आपने ये ज्वाइन करना है इस तरह से, ऐसे। तो उससे पहले बीच में ही यहाँ पर देखिए, ये जो साइड है ये फ्रंट साइड में रहेगा अंदर की साइड में, और ये बाहर बैक साइड में रहेगा। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए, बिल्कुल देखिए इसमें से इतना 1/3 पोर्शन हम यहाँ लेंगे, हम पूरा हाफ नहीं लेंगे, हाफ यहाँ तक आता है। तो इतना पोर्शन मैं लूँगी और इसको मैं यहाँ पर रखूँगी, और इसके साथ में ऊपर से ये रखिए और इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए। देखिए ये उल्टी तरह, मतलब ये जो साइड है ये इसके साथ में रखेंगे आप इस तरह से, यहाँ पर इतना पोर्शन, और इसको यहाँ पर रखिए और इसको यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से सिल दिया। अब इसको क्या करना है, ये इस वाले हिस्से को आप यहाँ हटाइए और इसको आप यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए। ये जो साइड फेस का हिस्सा है, इस साइड का हिस्सा है, जैसे आपने, मैं इसमें आपको समझा देती हूँ, हमने इतना सा पोर्शन रखा, ये 1/3 हिस्सा इस पे रखा, और इसके बाद में हमने इसको यहाँ सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में आपने ये वाला पोर्शन हटा दीजिए और इस वाले पोर्शन को आप इधर घुमा दीजिए और अब यहाँ सिल दीजिए साइड फेस के साइड में। तो हम इस तरह से यहाँ करेंगे। अब इसको मैं यहाँ से सिल लेती हूँ और यहाँ पर एक सिलाई लगा देती हूँ। तो ये कान इस तरह से इसके बंद हो जाएंगे। सेम आपको दूसरे साइड में भी करना है। देखिए अब ये दोनों ईयर्स लग गए हैं। अब इस वाले पोर्शन में आपने इसके मज़ल को ज्वाइन करना है। ये जो मज़ल है इसमें देखिए ये डार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये डार्ट्स को आपस में सिल दीजिए, उसके बाद यहाँ से इसको लेकर पूरे राउंड में यहाँ तक, और यहाँ से इसको यहाँ तक बंद कर दीजिए, आपस में ज्वाइन कर लीजिए। पहले ये डार्ट्स सिल दीजिए ऐसे, और उसके बाद यहाँ से लेके इस पोर्शन से ये यहाँ तक पूरा इस तरह से राउंड में बंद कर दीजिए। देखिए अब ये मज़ल जोड़ दिया है। अब इसको यहाँ से लीजिए और ये यहाँ तक पूरा स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ सिलाई लगा दी है। अब जो ये राउंड बीच का बचा है इसमें हमने ये नोज़ लगानी है ब्लैक, तो इसको इस तरह से लीजिए ऐसे, और इसको पूरा राउंड में इस तरह से, पूरा राउंड में ऐसे सिल दीजिए इसके साथ में। देखिए ये नोज़ भी हमने लगा दी है इसकी। अब इसमें बैक हेड जोड़ेंगे। तो बैक हेड को सबसे पहले देखिए ये दो पीसेस हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से निकाला है, तो इसको यहाँ पर आपने जोड़ देना है। पहले आपस में इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद में इसको सेंटर लेके यहाँ से, और पूरा ये यहाँ तक आपने इस साइड और दूसरा साइड इस साइड ज्वाइन कर लेना है। पहले इसको आपस में सेंटर में ज्वाइन कर लीजिए इस तरह। ये देखिए अब ये ज्वाइन कर लिया है। अब इसको इस तरह से रखिए, ये जो सीधा है इसके एयर्स को थोड़ा अंदर कर दीजिए, और यहाँ से इसको पूरा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको साइड से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब बैक हेड जोड़ दिया है। अब हम इसकी आईज़ लगाते हैं। तो जो ये सेंटर का सेंटर हेड है, सेंटर का फोर हेड है, उसके साइड में यहाँ पर इसकी यहाँ पर एक कट लगा दीजिए और यहीं पर आप आईज जोड़ दीजिए। इसकी वॉशर बंद कर देते हैं।
देखिए आईज़ लगाने के बाद जो ये मज़ल है इसको आपने कवर करना है, तो कोई भी आप ले लीजिए, जो भी कोई भी कपड़ा आपके पास है तो इसको रख के यहाँ से आप इसको सिल दीजिए, इसके साथ में जो ये सिलाई आपने लगाई है इसके साथ में सिल दीजिए, थोड़ा सा एक साइड में खुला छोड़ दीजिए और बाकी आपने इसको पूरा राउंड में सिलना है तो थोड़ा सा इतना सा खुला छोड़ दीजिए जहाँ से हम इसको फिल करेंगे। देखिए अब आईज़ भी लग गई हैं और ये भी हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको हम हेड को बॉडी के साथ में अटैच करेंगे। तो आपने ये लेना है जो ये सेंटर का हमने सिलाई लगाई थी, इसको इस सेंटर के साथ में जोड़ेंगे और इस तरह से करके आपने पूरा ये जोड़ लेना है। आपने क्या करना, सिर्फ बैक साइड पे इतना सा छोड़ देना है, इतना सा। यहाँ से ही हम इसको फिर सीधा करेंगे, सिर्फ यहाँ तक जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इतना, और इतना पोर्शन हम इसको ओपन छोड़ेंगे, यहीं से हम इसको सीधा करके फिर फिल करेंगे। देखिए अब इसका नेक जोड़ दिया है, पीछे थोड़ा सा खुला छोड़ा है, यहाँ से हम इसको सीधा करके उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी इसके उल्ट सीधा करने से पहले इसकी मंजिल को पूरी तरह से फिल करके ये पोर्शन बंद कर देंगे। सबसे पहले आपने मंजिल इसकी फिल करनी है। देखिए अब फिल कर दिया है, अब जो इसका ये पीछे की ओपनिंग है इसको आप बंद कर दीजिए। तो ये सुई से हम बंद करेंगे, देखिए इस तरह से, यहाँ से मैंने सुई अंदर से डाली, इस साइड से, फिर यहाँ से। देखिए बैक बंद कर दिया है, अब थोड़ी सी हम इसकी नोज़ की फिनिशिंग कर देते हैं। तो यहाँ से सुई में धागा डाल दी हूँ, यहाँ पर जहाँ पर ये आईज़ लगाई है वहाँ पर निकालेंगे आप, और इसको थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से वापस आप इसको निकालेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर बांध के थोड़ा सा आप खींच दीजिए, उसके बाद में हम इसकी नोज़ बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको खींच दिया है, अब इसकी ब्लैक थ्रेड से थोड़ी सी ये माउथ बना देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ बिल्कुल सेंटर में निकालेंगे, अब यहीं से इधर निकाल लीजिए आप, और यहाँ से यहाँ पर। अब देखिए हमारा ये ऑलमोस्ट रेडी है टेडी, बस इसका जो ये फर होता है सिलाई के समय कभी कभी अंदर चला जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा इससे सुई से देखिए इस तरह से करके जहाँ जहाँ भी जोड़ है वहाँ पर थोड़ा सा आप इसको इस तरह से सुई चला के, या हेयर ब्रश हो है हेयर ब्रश भी आप चला सकते हैं, उससे इसको थोड़ा सा ये जो फर जो अंदर फंसा है उनको आप
बाहर निकाल दीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको फील होता है वहाँ वहाँ आप कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हमारा स्टैंडिंग टेडी बनके बिल्कुल रेडी है। छोटा सा हमने बनाया है, अब इसी का मैं आपको बड़ा भी बना के दिखाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।